आज भाई ट्विटर पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, गेट 2022 पोस्टपोन। क्या गेट 2022 का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा? एडमिट कार्ड तो आ गए हैं, पर फिर भी क्या पोस्टपोन होगा और क्या ये एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए? असली में ये माजरा क्या है, मैं आज इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ट्विटर पे बहुत ट्वीट इस तरीके से आ रहे हैं, तो एक ट्वीट का मैंने स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा रहा हूं। व्हाट अ जोक, आईआईटी खड़गपुर, इफ समबडी इज इंफेक्टेड देन दे एरिया नॉट अलाउड टू राइट द एग्जाम। मतलब कोई अगर इंफेक्टेड है उसके लिए एरिया एग्जाम देने का एरिया अलाउ नहीं है। इट मींस दैट दे वुड लूज द चांस टू राइट द गेट दिस ईयर। मतलब जिसके कोविड है वो इस साल एग्जाम गेट का एग्जाम नहीं दे सकते। इमेजिन कंडक्टिंग एन एग्जाम ड्यूरिंग पीक इज प्रेडिक्टेड एंड नो वन शुड हैव सिम्टम्स। बात तो इन्होंने सही करी, क्योंकि जो कोविड का है वो उस टाइम पीक पे होना हो सकता है और इस समय केसेस भी लगातार ज्यादा आ रहे हैं और वो पीक पॉइंट होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गेट 2022 के जो स्टूडेंट हैं जो इस समय तैयारी कर रहे हैं उनको कोविड ना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हो गया तो वो क्या एग्जाम नहीं दे पाएंगे, दैट इज अ रीजन। और ये कौन सा नोटिफिकेशन भाई गेट ने निकाला है जिसकी वजह से इतना सब बवाल हो रखा है? तो चलिए उस नोटिफिकेशन के पास चलते हैं, ऐसा क्या नोटिफिकेशन आया है जिसकी वजह से सारे ट्यूट हो रहे हैं। चलिए अब मैं नोटिफिकेशन, जब आप गेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, जब आप उसको सबको ओके करके आगे बढ़ेंगे तब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। तो चलिए मैं गाइडलाइन बता देता हूं जिसकी वजह से यह बवाल मचा पड़ा है। तो देखिए 12 और 13 That is important. इसको आप अगर पढ़ें तो देखिए, as per government order, any candidate who is COVID-19 positive or has any infection disease must not come out home hospital. ठीक है, that is important. And hence the entry for such candidate will be denied. That is important. अब इन्होंने क्या कहा, asymptomatic candidates, if any who have temperature higher than 99.4 Fahrenheit or cough, runny nose will be taken to isolation area for the examination. मतलब अगर किसी के 94.5 से हाई टेम्परेचर है, कफ है या है, तो उसे आइसोलेशन एरिया दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। अब 13 पॉइंट पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अ कोविड सिम्टम्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉट इन क्वारंटीन, नॉट इन क्वारंटीन। ये देखिए, ये जो 13 नंबर है इसके पीछे भैया बवाल मच रखा है। ऑन द एग्जाम डे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव कोविड सिम्टम्स, नॉट इन क्वारंटाइन एंड वाज नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एनी कोविड पेशेंट ड्यूरिंग द लास्ट फॉर नाइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि उस दिन आप कोविड, आपके अंदर कोविड सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, आप क्वारंटीन से ना आने चाहिए, और उसके एक दिन पहले जो लास्ट नाइट ऑफ आवर नाइट है उसमें आप किसी कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में ना आए होने चाहिए। तो इस वजह से बवाल मच रखा है। तो ये तो मुझे भी भाई ठीक नहीं लगा। अब आप लोगों की क्या राय है प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में लिखे। क्या गेट 2022 कैंसिल होना चाहिए वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, या आप ट्वीट कर सकते हैं #गेट पोस्टपोन 2022 के नाम से आप हैशटैग कर सकते हैं, ट्रेंड पर चल रहा है। तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें आपकी राय क्या है। हमारे चैनल पर लगातार ये सारी न्यूज दी जाएंगी, हर चीज की एग्जाम के नोटिफिकेशन भी दिए जाते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल कॉम्पिटिशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।